हेलो गाइस, वेलकम टू दिजमडी न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करेंगे एवेंजर एंड गेम के ऑफिशियली ब्लूरे के अपडेट के बारे में, बात करेंगे उसके रिव्यू के बारे में, बात करेंगे कुछ एस्ट अपडेट के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट काफ़ी ज़्यादा कमाल के है। तो सबसे पहले मैंने जब ये मूवी डाउनलोड करके देखी और जब ये मूवी मैंने थिएटर में देखी तो फ़र्क सिर्फ एक ही चीज़ का था, वो भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है, वो है डबिंग का, डायलॉग्स का। थिएटर की जो डबिंग थी वो बिल्कुल परफेक्ट थी, जिसको सुनते ही हमारे शरीर में जोश आ जाता है मार्वल फैंस में। और जब ये मूवी मैंने होम डिजिटली ब्लूरे में डाउनलोड करी तो इसकी जो डबिंग थी उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस कर दिए गए हैं, डायलॉग में चेंजेस कर दिए गए हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, जब कैप्टन अमेरिका लास्ट में असेंबल का वर्ड बोलते हैं, आप समझ जाओगे तो होम ब्लूरे में क्या बोला है, आक्रमण। समझ रहे हो ना, मतलब कितना ज़्यादा ऑकवर्ड सा और अजीब सा लगा कि ये डबिंग को क्या हुआ एकदम, क्योंकि जो मार्वल फैंस हैं उनको ये फ़र्क नज़र आएगा। तो बस यही चेंज करा गया है और ये कहना चाहूँगा आप खुद देखें, डाउनलोड करें और अपने थॉट्स ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। उसी के साथ एडम कंफर्म हो चुके हैं सज़ैम मूवी 2 में। जी हाँ, उन्होंने ये खुद कंफर्म कर दिया कि वो अपकमिंग सज़ैम 2 में आ रहे हैं। उसी के साथ थॉट डायरेक्टर कन्फर्म हो चुके हैं सुसाइड स्क्वाड मूवी में, और वो कौन सा रोल प्ले करेंगे अभी तक ये कुछ ऐसा कन्फर्म नहीं हुआ है, पर अभी तक की खबर यही है। उसी के साथ मार्क रफेलो ने एक अपडेट दिया है शी हल्क को वेलकम बोलते हुए, और वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। अब उन्होंने ऐसा क्यों बोला तो मुझे कोई ना कोई तो कनेक्शन लग रहा है और इन फ्यूचर कुछ हल्के स्मैश टाइप का होने वाला है। उसी के साथ हैंसल द ग्रेटल का ऑफिशियली फर्स्ट लुक नजर आया है, जो कि काफ़ी टाइप हॉरर लग रहा है। और देन उनके हाथ में एक लैंप है, और आपने इस मूवी को नहीं देखा तो जाके देखो यार, पहला पार्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। उसी के साथ द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 का ऑफिशियली लोगो लॉन्च हुआ है, जो कि एक लीक के माध्यम से पता चला। अब तो ये मूवी फिलहाल कैंसिल हो चुकी है, पर लोगो काफ़ी अच्छा लग रहा है। उसी के साथ बेल एंड टेड की शूटिंग फिनिश हो चुकी है, उनकी क्रू मेंबर की टीम की फोटो वायरल हुई है, जिससे कि कन्फर्म हो जाता है कि इस मूवी की शूटिंग फिनिश हो चुकी है। इस मूवी के 2 सीरीज के पार्ट काफ़ी ज़्यादा जबरदस्त थे। केविन फैंगी ने कन्फर्म कर दिया द इंटरनल्स में ओपनली गे होंगे, यानी कि खुल्लम खुल्ला प्यार होगा। अब समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मार्वल में एक रूमर चल रहा है डिज्नी प्लस से रिलेटिव कि वो इन फ्यूचर शायद मिस समीर का पे एक टीवी सीरीज बनाए। अब ये कितनी बार सच्चाई है ये तो आगे पता चलेगा। नेल शनल फ्लिन कन्फर्म हो चुके हैं, वो सुसाइड स्क्वाड मूवी में है। अब ये कौन सा रोल प्ले करेंगे अभी तक ये कन्फर्म नहीं हुआ है, पर कोई तो कैरेक्टर करने वाले हैं। बैट वूमेन का ऑफिशियली पोस्टर लॉन्च हो चुका है, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है और काफ़ी पावरफुल लग रहा है, और इससे पावर नज़र आ रही है बैट वूमेन की। अब इस टीवी सीरीज के ट्रेलर को तो बिल्कुल पसंद नहीं करा गया था लोगों ने। उसी के साथ आज रिलीज होने वाला है जोकर का ट्रेलर, तो इंतजार करिए। और ऑफिशियली मैगजीन कवर भी लॉन्च करा गया है, जो कि आप देख रहे हो। और फाइनली डिज्नी एक्सपो में आयरन मैन का एक ट्रिब्यूट पोस्टर लॉन्च करा गया, स्नैप करते हुए थैनोस से लड़ते हुए, काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा है। और एक और अपडेट काफ़ी कमाल का, अभी हाल ही में एक एक्सपो चल रहा है जिसमें कि वंडर वूमेन वैन 10 का ऑफिशियली फर्स्ट लुक लॉन्च करा गया है, हर्ली क्विन का लॉन्च करा गया है, स्कूप का लॉन्च करा गया है, जो कि आप फैन होंगे इनके तो आप जानते होंगे इन सभी को, काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। सबका लुक फर्स्ट एकदम मज़ेदार लग रहा है। उसी के साथ वंडर वूमेन का तो एकदम आइकॉनिक लुक नज़र आया है, एकदम नया सूट, कलरफुल, और एकदम कह सकते हो मेरा तो दिल धड़क रहा है इसको देखते ही। और इसी के साथ एक कौन सा पार्ट रिलीज हुआ है आयरन मैन का, और हमारी गुनित पैथरो का, जी हाँ, यानी कि हमारी फीमेल आयरन मैन, दोनों एक साथ गले मिलते हुए जो ये फाइटिंग का सीन है। उसी के साथ एक और कौन सा पार्ट लॉन्च हुआ है जिसमें कि हल्क रिवेंज ले रहा है थैनोस से लड़ते हुए, तो ये सीन तो था डिलीट भी मार दिया था, पर कौन सा पार्ट में ये शो हो रहा है कि हल्क कितनी पिटाई कर रहा है थैनोस की। उसी के साथ वैलकरी लड़ती नजर आ रही हैं एक साथ मिलकर टीम अप करती हुई ओकोई से, जी हाँ, वो भी एक लास्ट वाली फाइटिंग सीन में। स्पाइडरमैन को ऑफिशियली फार फ्रॉम होम का स्टैंडर्ड कट पोस्टर लॉन्चर कर दिया गया है, ये पोस्टर तो आपने देखा होगा, पर उन्होंने इसी को एडिट करके लॉन्च कर दिया गया है। इसमें हमें करीब आगे के 24 मिनट देखने को मिलेंगे। उसी के साथ फ्लैश का एक बिहाइंड द सीन इमेज देखने को मिला है, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। और देन अगला अपडेट है काफ़ी कमाल का, वेनम 2 में कन्फर्म हो चुके करने, जो कि वुडी हिल्सन खुद रिटर्न होंगे, और ये बात कन्फर्म करी है सिनेमेटोग्राफर वेनम के 2 के। तो गाइस, कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। अगर रियली मैं कुछ वीडियो पसंद आता तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देखे हो, या तो उस पे थैनोस के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूँ।